आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस वक्त जो है बड़ी खबर यहां पर महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र को लेकर यह बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे अब कुछ ही यहां पर दिनों के मेहमान हो सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर चल रही है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से यहां पर मध्य प्रदेश में भी अचानक से जो है बड़ी हलचल देखने को मिली और पूरी सत्ता परिवर्तन देखने को मिली है। बता दें कि 6 महीने का कार्यकाल 28 मई को यहां पर उद्धव ठाकरे जो सरकार है यानी महाराष्ट्र में जो कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की सरकार है उसका यहां पर समय पूरा होने वाला है। बता दें उद्धव ठाकरे के 6 महीने का कार्यकाल 28 मई को पूरा होने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि विधान परिषद या फिर विधानसभा में यहां पर सदस्य नहीं है उद्धव ठाकरे, ऐसे में 6 महीने के बाद उनका सरकार में रहना काफी मुश्किल हो सकता है, ऐसी खबर यहां पर चल रही है। बता दें कि राज्य के महाराष्ट्र में जो इस प्रकार के हालात हैं और जिस प्रकार से महामारी का यहां पर दौर है, महाराष्ट्र में इस तरह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के संकेत यहां पर बार बार दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर मुख्यमंत्री यहां पर उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। उद्धव ठाकरे ने किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, यानी ना तो विधानसभा के एमएलए हैं और ना ही विधान परिषद के वो सदस्य। इस तरह से 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और उनके सदस्य चुने जाने की किसी भी संभावना का फिलहाल यहां पर कोई भी उत्तर मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने यहां पर महाराष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार के चुनाव यहां पर स्थगित कर दिए हैं और राज्यसभा भी चुनाव होने थे वो भी स्थगित है। ऐसे में जो अब महाराष्ट्र के लिए अब बड़ा खतरा यहां पर हो सकता है, महाराष्ट्र में ये त्रिकोणीय सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गिरने की कगार पर यहां पर आ चुकी है। हालांकि इससे पहले भी इस प्रकार से 8 ऐसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रहे हैं जो कि ना विधानसभा और ना विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने यहां पर सदस्यता ग्रहण की, इसके बाद वो यहां पर मुख्यमंत्री रहे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने जो है 28 नवंबर 2019 को जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। संविधान की धारा 144 के अनुसार उद्धव ठाकरे को 6 माह में राज्य के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है और ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी को बचाए रखने के लिए 28 मई से पहले विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी हो जाता है। और ऐसे में जो हालात हैं उसको देखते हुए फिलहाल महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार के चुनाव आयोग ने यहां पर सख्त निर्देश दिए हैं कि चुनाव यहां पर स्थगित हैं और यहां पर महाराष्ट्र की विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 24 अप्रैल को खत्म हो रहा है और इनमें से विधानसभा की 9 सीटें पर चुनाव होने थे, लेकिन जिन्हें अब यहां पर महामारी के संकट के मद्देनजर यहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसे अनिश्चित समय के लिए टाल दिया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब कैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 6 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं तो नियम के अनुसार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। तो ये महाराष्ट्र को लेकर बड़ी खबर है और ऐसे में अब बीजेपी क्या शिवसेना एक बार फिर से बीजेपी की तरफ जाएगी और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। लेकिन ये खबर जो है आज तक की तरफ से यहाँ पर सामने आ रही है, उसके अनुसार महाराष्ट्र में जो है 6 महीने के अंदर उद्धव ठाकरे को जो है यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर नियमों के अनुसार ये सरकार गिर सकती है, ऐसी खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के लिए अपनी राय दे सकते हैं और अगर आपने इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।